नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पुलिस लाइन सभागार में एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा अमेजोन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड से मोबाइलों की धोखाधड़ी करने वाले ठग का पर्दाफाश करते हुए एक ठग को 23 स्मार्टफोन और एक लैपटॉप जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए है सहित गिरफ्तार किया। वहीं एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि थाना सदर बाजार में 23 मोबाइल रिकवर किए गए हैं और एक लैपटॉप रिकवर किया गया है जो कि अमेजोन कंपनी के द्वारा जो ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है उसके द्वारा डिलीवर करे गए मोबाइल सेट्स हैं। ये प्रकरण संज्ञान में आया जो अमेजोन के रीजनल मैनेजर हैं उनके द्वारा ये बताया गया था कि उनके मोबाइल्स बीच में से गायब कर दिए जा रहे हैं और उनके बदले में रिफंड ले लिया जा रहा है। जब इस केस को प्रूव किया गया तो जो हमारी सर्विलेंस टीम के प्रभारी हैं मुबारक हुसैन और जैसे जो सदर बाजार हैं इन्होंने मोहम्मद शमी नाम के एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है जो इसकी ट्रैकिंग आईडी मोबाइल फोन्स की डिलीवरी के लिए प्रयोग की जाती थी और इसके पीछे इसका एक साथी आजम और उसकी पत्नी है जो मेल जनरेट करते थे और ऑनलाइन डिलीवरी के लिए मेल देते थे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि शमी बीच रास्ते में मोबाइल को ले लेता था और उसके बाद में आजम के द्वारा ये मेल दे दिया जाता था कि इनको मोबाइल प्राप्त नहीं हुआ है और उसके डब्बे का जो फोटोग्राफ है व्हाट्सएप कर दिया जाता था या मेल कर दिया जाता था। इस तरीके से ये लगातार ये लगभग 47 लाख रुपए करीब घोटाला इन्होंने किया जिसमें से 23 मोबाइल और एक लैपटॉप बरामद हुआ है जिनकी कीमत लगभग 7 लाख रुपये है। अभी आजम की गिरफ्तारी शेष है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और यदि इसमें ये संज्ञान में आता है कि कंपनी का कोई कर्मचारी या डिलीवरी देते हुए कोई कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको प्रूव करके उसकी गिरफ्तारी की। इस टीम को जो है एसएसपी साहब की तरफ से 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है।